हेलो एवरीवन आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी तो इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे और ये हमारा नाइन्थ मॉड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपने पहले मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्ले से उन्हें देख सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच ईयर यूनियन टेरीटरीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया तो कौन से यूनियन टेरीटरीज को इंडिया में इंक्लूड किया गया तो इसका करेक्ट आंसर है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में यूनियन टेरीटरी और स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था और फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद ही ये यूनियन टेरीटरी को इंडिया में इंक्लूड किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कोल्ड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज फेडरल फायरमैन किसने इस राज्य के गवर्नर को फेडरल फायरमैन की उपाधि दी तो यहाँ पे ऑप्शन ए है के टी शाह ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी इन्होंने राज्य के गवर्नर को फेडरल फायरमैन की उपाधि दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग पावर्स इशन इन आर्टिकल टू एंड थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग तो जो पावर्स पार्लियामेंट को आर्टिकल टू और थ्री में दी गई हैं उन आर्टिकल में उन पावर्स के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या कर सकती है तो उससे पहले यहाँ पे जो पार्लियामेंट ये आर्टिकल टू और थ्री है आर्टिकल वन से लेके कर फोर तक हमारे पार्ट वन में गिव है जो यूनियन टेरिटोरी स्टेट की बात करता है और यहाँ पे एक आर्टिकल वन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कि किसी भी चीज़ का आर्टिकल वन चैप्टर वन इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें इंडिया को जिस नाम से बुलाया गया है वो भी ज़रूरी है इंडिया दैट इज़ भारत तो यहाँ पे इसलिए जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं इनको वर्ड टू वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आर्टिकल टू और थ्री में पार्लियामेंट को कौन कौन सी पावर्स गिवन है सो ऑप्शन ए एडमिट न्यू टेरिटरीज एज न्यू स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी स्प्लिट और मर्ज एक्सिस्टिंग इंडियन स्टेट्स ऑप्शन सी ऑल्टर द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी यहाँ पे ये सारी जो पावर्स हैं ये पार्लियामेंट को आर्टिकल टू और थ्री में गिवेन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिल्स रिलेटेड टू टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटेज अंडर आर्टिकल टू एंड थ्री नीड विच ऑफ द फॉलोइंगइ ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट तो यहाँ पे जो आर्टिकल टू और थ्री के अंडर में पार्लियामेंट को पावर गिविन है उसके उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो रीअरेंजमेंट कर सकती है इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का तो यहाँ पे इसके लिए कौन सी टाइप की मेजॉरिटी चाहिए तो ऑप्शन ए सिंपल मेजॉरिटी ऑप्शन बी इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑप्शन सी एब्सल्यूट मजारटी ऑप्शन डी स्पेशल मेजॉरिटी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ विच कंट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का तो ये बहुत ज़्यादा बॉइलिंग टॉपिक है तो ये वाला जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इससे रिलेटेड सारी अपडेट और सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस साल के सभी एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तो इस ऐप को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि इसमें क्या है तो यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं इसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप पाने के लिए तो ऑप्शन ए म्यांमार ऑप्शन बी अफगानिस्तान ऑप्शन सी बांग्लादेश ऑप्शन डी पाकिस्तान तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यांमार नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंटेक्सट विद द रिट जूरिस्टिक्शन अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करके सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट की पावर है तो हाई कोर्ट के पास भी ये रिट की पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जो है उन्हें इशू कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल थर्टी टू के अंडर सुप्रीम कोर्ट को रिट की पावर्स दी गई हैं और कोर्ट को आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंदर में दी गई हैं तो इसके अलावा यहाँ पे दोनों में फ़र्क ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू करता है कोर्ट यहाँ पे कई और लीगल राइट्स के लिए यहाँ पे जो है उसके पास पावर होती है कि वो इशू कर सकता है कुछ रिट्स को या कुछ उनसे रिलेटेड Uh, यहाँ पे प्रोविजंस और थोड़ी सी पावर हाई कोर्ट के पास ज्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पर रिट यहाँ पे से फंडामेंटल राइट right तक सीमित होती है हाई कोर्ट की उससे ज्यादा होती है तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जूरिस्टिक्शन है वो हाई कोर्ट से थोड़ी सी नैरो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द डॉक्ट्रीन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ इंक्लूड तो यहाँ पे ये आर्टिकल सारे दिख रहे हैं तो डॉक्ट्रीन ऑफ़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कौन से आर्टिकल में गिविन है आर्टिकल ट्वेंटी वन तो आर्टिकल ट्वेंटी वन जो है हमें राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है इस आर्टिकल में बहुत सारे प्रोविजन्स और भी एड हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस इसमें ज़्यादा हैं तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से छोटे छोटे राइट्स और ज़्यादा इंक्लूड हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो यहाँ पे फेडरल जो हमारी गवर्नमेंट है उसके फीचर्स क्या क्या हैं तो ऑप्शन ए डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट ऑप्शन बी रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट भी सुप्रीम ऑप्शन डी ड्यूल गवर्नमेंट तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है ऑप्शन सेकंड है और ऑप्शन फोर्थ ये वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मे नोट भी मेंशन है तो ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं ये फेडरल की फीचर्स में आती हैं हेंस द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट

द इलेक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज ऑप्शन सी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन द प्रेजिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल सच स्टाफ एज मे बी एज मे बी नेसेसरी फॉर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शन तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन ए यहाँ पे इनकर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है आपको तो द रोल आर प्रिपेयर अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेजिडेंट ये वाली लाइन गलत है आपको बाकी तीनों पर भी कंसिडर करना है क्योंकि ये तीनों ही सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमेंडमेंट अबोलिश सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो कौन से अमेंडमेंट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सिस्टम जो है उसे अबोलिश कर दिया था तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नाइन ऑप्शन डी है इनटीन अमेंडमेंट के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द बैन ऑन री एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर एन अदर ट्वेंटी फाइव ईयर्स विद द ऑब्जेक्शन ऑफ इंक्रेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मीजन तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एटी फोर्थ अमेंडमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज द स्टीयर्स मैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ़ द शिप ऑफ द स्टेट तो यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्स में कोटेशन में भी क्वेट्स पूछे जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट ये लाइन किसने कही है तो यहाँ पे इनको इनके बारे में भी पता होना ज़रूरी है तो ऑप्शन ए इज एनिंग ऑप्शन बी एच आर जी ग्रेस ऑप्शन सी रामसेम म्यूर ऑप्शन डी मुंडरू तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी राम सेम ने ये लाइन कही है द स्टीयर्समैन ऑफ स्टेयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेट दैट द कैबिनेट इज द पाइवेट अराउंड विच द होल पोलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व तो ये वाली जो लाइन किसने कही है ऑप्शन ए बार्कर ऑप्शन बी बेगहोट ऑप्शन सी सर आइवर्ड जेनिंग्स ऑप्शन डी सर जॉन मेरियट तो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सर जॉन मैरियट इन्होंने ये लाइन कही है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आल्सो नॉन एज द सुपर कैबिनेट यहां पे कौन सी कमेटी को सुपर कैबिनेट कमेटी भी कहा जाता है सुपर सुपर कैबिनेट कैबिनेट जो है यहां पे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को कहा जाता है और लास्ट क्वेश्चन इज which year the hindi names rajya sabha and lok sabha were adopted by the council of state and the house of people respectively to yahan pe jo hindi naam rajya sabha aur lok sabha hai यहाँ पे Council of State and House of People के अलावा इन दो नामों को कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया ये हमें पता होता है कि ये दोनों नाम हैं और पार्लियामेंट के तीन पार्ट में राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट फॉल करते हैं बट यहाँ पे इन दोनों नामों को कौन से ईयर में ऐड किया गया ये है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माइर चैनल वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू